सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो के अंदर ना आप लोग कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, कुछ इस टाइप की ब्रोकन हार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैड फोटो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं गाइस। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, ओनली वीडियो को एंड देखना है और जो मैं आप लोग को स्टेप बताऊँ वो स्टेप को फॉलो करना है गाइस। तो अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो आप लोग भी कुछ इस टाइप की सैड फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। और गाइस, इस फोटो में जो भी मतलब PNG एंड बैकग्राउंड यूज किया हूँ उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं चैनल पे नया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को आप लोग को ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो ओपन करने का सुना फ्रेंड्स, आप लोग क्या करना है, सबसे पहले टूल्स पे आना है और अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा लो क्वालिटी है, मतलब इसको हाई क्वालिटी में कर लेना है। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे 3545 डाल के देख लेंगे ले रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ले चुका है 3545। तो आप लोग भी अपने बैकग्राउंड को सबसे पहले रिसाइज कर लीजिएगा। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को जिस फोटो को यहाँ पे सेट करना है उस फोटो को यहाँ पे आप लोग को ऐड कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा शेड मोशन में आप लोग फोटो को क्लिक करवा लेना है पोज देके। तो यहाँ पे ऐड फोटो पे जाएंगे और हम यहाँ पे देखिए अपने फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस फोटो को यहाँ पे ऐड करने वास्ते आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव बीजी लिखा होगा पिक्सआर्ट में, ये ऑप्शन आप लोग को मिलेगा। तो इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे रिस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं पूरा परफेक्ट एकदम वन क्लिक में आप लोग कैसे बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हैं गाइस तो अपने डाटा को ऑन रखेंगे तभी भी आप लोग कर पाएंगे इसको यूज। अब पूरा फुल HD में वो भी होता है, यहाँ पे रिमूव देख सकते हैं थोड़ा सा भी क्वालिटी इसका लॉस नहीं होता है गाइस। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो सेट करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, इस मॉडल पे क्लिक करेंगे और इरेज पे आएंगे और यहाँ पे अपने फोटो को ऐसे जूम कर लेंगे। तो जिम करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग इरेज पे क्लिक करेंगे, ऑपेसिटी को हल्का सा माइनस और हार्डनेस को भी साइज को हल्का सा और माइनस में रखेंगे और ऐसे आप लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों को वैसे स्टेप को बस ओनली फॉलो कर लेंगे तो अभी जाकर आप लोग एकदम रियली लुक में जैसे होता है फोटो एडिट वैसे आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे ऐसे कर रहे हैं, वैसे आप लोग को सेम टू सेम कर लेना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, लगेगा एकदम रियल की घास में आप लोग बैठे हैं। अब यहाँ से डन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, शेडो हल्का से नीचे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एड फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे शेडो PNG को ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शेडो PNG को ऐड करने वास्ते आप लोग इसको नीचे तरह से ऐसे फोटो को जूम करके और यहाँ पे इसको शेडो दे देंगे हल्का से, इससे और भी रियल लगेगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेडो भी दे चुका हूँ। अब यहाँ से आप लोग क्या करना है गाइस, यहाँ से डन कर देना है। तो अब यहाँ पे आना है डॉट टूल में गाइस नीचे और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके अपने फोटो को सेव टू डिवाइप कर लेना है गाइस। और अपने फोटो को ले चलना है किस में, लाइट रूम के अंदर गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फोटो को ले करा चुका हूँ लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ पे लाने का सुना गाइस, आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लाइट पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स हल्का से यहाँ पे कंटेस्ट को माइनस में रखना है और हाईलाइट को भी और शेडो को हल्का से यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है गाइस और वाइट को भी और यहाँ पे ब्लैक को यहाँ पे माइनस में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना ब्लैक को यहाँ पे मैंने माइनस में रखा हूँ, आप लोग को सेम वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे नीचे आना फ्रेंड्स कलर पे और मिक्स पे जाना है सबसे पहले, सेकंड कलर पे आना है, इसका सैचुरेशन को हल्का से माइनस में रखना है और ल्यूमिनस को हल्का से इंक्रीज और हुई को भी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आना है येलो कलर पे, इसका हुई को हल्का से इंक्रीज कर लेना है और सैचुरेशन को हल्का से माइनस में रखना है गाइस। और यहाँ पे आना है ग्रीन पे, इसका सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है और हुई भी इंक्रीज कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, अपने कपड़े कलर एंड स्काई कलर अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे रख लीजिएगा जो जैसे आप लोग को अच्छा लगे।
अब यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स, और इस पर आना है, हल्का से क्लियरिटी को इंक्रीज करना है टेक्सचर को भी, और विग्नेट को हल्का सा माइनस में रखना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आना है कलर पे फिर से, और यहाँ पे देखिए हम माइनस का ऑप्शन मिलेगा, हल्का से इसको इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पे आना है फ्रेंड्स इस पर सरप्राइज का हल्का सा इंक्रीज करना है, और मैकिंग को भी, नॉइज डिटेक्शन को भी, और कंटेस्ट को भी, कलर नॉइज को भी, लास्ट में इस दोनों ऑप्शन को 100 कर देना है फ्रेंड्स, डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को। और फ्रेंड्स यहाँ पे आना है लाइट पे, हल्का से एक्सपोजर को इंक्रीज कर लेना है। तो अब क्या कहना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख लेना है। तो अब आप लोग क्या करना है, ओनली अपने फेस को स्मूथ करना है एंड हल्का से बैकग्राउंड को ब्लर कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो अब इसको ब्लर करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके अपनी फोटो को ले चलेंगे, किसमें, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फोटो को लेकर आ चुका हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ओपन करने वास्ते आप लोग सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करेंगे गाइस, और यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करने वास्ते आप लोग देखिए लेंस ब्लर पे आएंगे और इस साइज को ऐसे छोटा कर लेंगे। छोटा करने वास्ते आप लोग को यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पे सारा मतलब ब्लर हो चुका है। तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे और बिग ग्रिड्स पे जाएंगे और लेंस ब्लर पे जाएंगे, ब्रश पे आएंगे, और आप लोग क्या करना है, कितने भाग को ब्लर करना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अपनी फोटो को जूम कर लेना है और ओनली आप लोग ऐसे गर्ल्स है जो उस पर ब्लर करना है आप लोग को काम करना है अपने। तो हल्का से गर्ल्स को जो भी है हल्का से इसको ब्लर कर लेंगे। अब ब्लर करने वास्ते फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से डन कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। अब आप लोग को अपने फेस को स्मूथ करना है तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, नीचे आना है पोर्ट्रेट पे, और हल्का से यहाँ पे देखिए आई क्लियर टू इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पे देखिए फेस टूल को माइनस में रखना है और स्किन स्मूथनेस को यहाँ पर 100 कर देना है आप लोग को, और यहाँ से डन कर देना है। और फ्रेंड्स से फ्रेंड्स क्या करना है आप लोग को, बिफोर आफ्टर देख लेना है। फेस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को, मैं जूम करके दिखा देता हूँ फेस स्मूथ हुआ है कि नहीं, देख सकते हैं आप इस फेस भी स्मूथ हो चुका है। तो फ्रेंड्स फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और नीचे आना है डिटेल्स पे, हल्का से नीचे सरप्राइज को ऑप्शन मिलेगा, इसको इंक्रीज कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को फाइनल यहाँ पे फोटो एडिट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करना है, शेयर पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव टू डिवाइब कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।